वाला आपका अपना न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपको याद होगा कि 26/11 का जो नाम है, ये जो शब्द है, अपने आप में कहीं ना कहीं से एक पूरी कहानी को लेकर जिंदा है। क्योंकि जब भी 26/11 की बात होगी तो निश्चित रूप से हम कह सकेंगे कि दहशत के वो 60 घंटे किस कदर हमारे सामने आए थे, जिसने हमारी ज़िंदगी को झकझोर दिया था। तो आज हम बात करेंगे दहशत के उन्हीं 60 घंटों के बारे में। दहशत एक ऐसा शब्द है जो कहीं ना कहीं से हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और हमें कहीं ना कहीं से झकझोर देता है। लेकिन अगर हम 60 घंटों को याद करते हैं तो ऐसे लगता है कि वाकई ये जो दर्द है, पूरा जो उसका असर था, वो अभी भी हमारे सामने खड़ा है। और यही कारण है कि जब भी मुंबई के हमले की बात होती है तो 26/11 को भूलना नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि आज वही काला दिन है जिसको हम याद करें, जिसने हमारी मुंबई के ऊपर हमला किया था और बेगुनाहों की जान गई थी, और इस देश ने मुंबई के जवानों को भी गंवा दिया। और कहा जा सकता है कि आज 7वीं बरसी के ऊपर भी आज हम कह सकते हैं कि जो दुश्मनों के खिलाफ एक संदेश जाना चाहिए था, उसमें लगातार कमी देखी जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, ऐसे में कहा जा सकता है कि वाकई मुंबई ने बहुत कुछ 60 घंटों में झेला, देखा। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से सुरक्षा को लेकर हमारे जवानों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, हमारे निर्दोष लोगों ने जान गंवा दिए, ऐसे में सबसे पहले उन तमाम आत्माओं को हम सलाम करेंगे, उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देंगे लेमन न्यूज़ परिवार की तरफ से। तो आपको बता दें कि 26 नवंबर 2008 की रात अचानक मुंबई शहर गोलियों की आवाज़ से दहल उठा था। हमलावरों ने मुंबई के 2-5 सितारा होटलों, CST रेलवे स्टेशन और एक यहूदी केंद्र को अपना निशाना बना दिया था। शुरू में तो किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये इतना बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। शहर के लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसे हम CST भी कहते हैं, से शुरू हुआ। आतंक का ये तांडव 5 सितारा होटल ताजमहल में जाकर खत्म हुआ। मुंबई शहर को आतंक के इस साय से बाहर निकालने में सुरक्षाकर्मियों को तकरीबन 60 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग गया। मुंबई पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले में 160 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। होटल ताजमहल अपने आप में पूरी दुनिया में जाना जाता है, क्योंकि मुंबई की जो पहचान है उसमें ताज होटल का भी एक अपना योगदान है। होटल ताजमहल को अगर हम 26/11 से जोड़ते हैं तो अजीब स्थिति आती है सामने, क्योंकि ताजमहल पर जब आतंकवादियों ने हमला बोला उस समय डिनर का समय था और बहुत सारे लोग वहाँ जमा थे। तभी अचानक अंधाधुंध गोलियाँ चलने लगी। सरकारी आंकड़ों की अगर हम बात करें तो उस वक्त होटल ताजमहल में 31 लोग मारे गए और करीब 60 घंटे की कार्रवाई में सुरक्षाकर्मियों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। उसी तरह शिवाजी टर्मिनस से भी मुंबई की पहचान है। देश के सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर आतंक के इस पूरी खेल का सबसे खौफनाक मंजर देखने को मिला। यहाँ बड़ी संख्या में रेल यात्री मौजूद थे, लोकल हो या मेल हो, सबके यात्री मौजूद थे। जांच अधिकारियों के अनुसार यहाँ हुई गोलीबारी में आतंकवादी अजमल अमीन प्रसाद और इस्माइल खान शामिल थे। दोनों आतंकियों ने यहाँ अंधाधुंध गोलियां चलाई। CST में 58 लोगों की मौत हुई।
बाद में अजमल आमिर कसाब पकड़ा गया और उसे कानूनन फांसी दी गई। उसी तरह कामा अस्पताल भी एक मुख्य स्थल था जिस पर आतंकी हमला हुआ। मुंबई पुलिस के अनुसार चार हमलावरों ने एक पुलिस वैन को ही अगवा कर लिया था और उसके बाद लगातार गोलीबारी करते रहे। इसी क्रम में आतंकवादी कामा अस्पताल में भी घुसे। मुंबई शहर का मशहूर कामा अस्पताल एक चैरिटेबल अस्पताल है। इसका निर्माण एक अमीर व्यापारी ने 1880 में कराया था। कामा अस्पताल के बाहर ही मुठभेड़ में आतंकवाद निरोधक दस्ते के प्रमुख हेमंत करकरे और मुंबई पुलिस के अशोक कामटे और विजय सरस्कर शहीद हो गए थे। हमसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गए। ओबेरॉय होटल भी मुंबई का एक अलग स्थल है जहाँ उसकी पहचान बनती है मुंबई से जोड़कर। ओबेरॉय होटल देश के व्यापारिक तबकों के बीच खासा पॉपुलर है। इस 5 सितारा होटल में भी आतंकवादी खूब सारा गोला बारूद लेकर पहुंचे थे। माना जाता है कि उस समय होटल में 350 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। आतंकियों ने यहाँ कई लोगों को बंधक बना लिया था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवानों ने यहाँ दोनों हमलावरों को ढेर कर दिया, लेकिन तब तक आतंकियों ने 22 निर्दोष लोगों की जान ले ली थी। लियोपोल्ड कैफे ने भी कहीं ना कहीं से ये बताया था कि यहाँ पर विदेशी सैलानियों में इस कदर लोकप्रिय है और मुंबई की जिंदगी को जोड़कर देखा जाए तो इस कैफे का बहुत बड़ा एक अपना अहम स्थान है। मुंबई पुलिस और जांच अधिकारियों के अनुसार आतंकवादी दो दो के गुटों में बटे हुए थे। लियोपोल्ड कैफे में पहुंचे दो आतंकियों ने यहां अचानक अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। यह कैफे विदेशी पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है। इससे पहले वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी और वहां से भाग निकले। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक लियोपोल्ड कैफे में 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई और नरिमन हाउस को भी कहीं ना कहीं से एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ माना जाता है मुंबई का। आतंकवादियों ने शहर के नरीमन हाउस को भी निशाना बनाया था। नरीमन हाउस चबाद लुबाविच सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन नरीमन हाउस कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है। यहाँ भी हमलावरों ने कई लोगों को बंधक बनाया था। जिस इमारत में आतंकवादी घुसे थे वो यहूदियों की मदद करने के लिए बनाया गया एक सेंटर है। यहाँ अक्सर यहूदी पर्यटक ठहरते थे। इस सेंटर में यहूदी धर्म ग्रंथों की बड़ी लाइब्रेरी है और उपासना गृह भी। यहाँ पर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए NSG कमांडो को हेलीकॉप्टर की मदद से बगल वाली इमारत में उतरना पड़ा था। NSG की इस कार्रवाई में आतंकवादी तो मारे गए, लेकिन किसी भी बंधक को नहीं बचाया जा सका, क्योंकि यहाँ 7 निर्दोष लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी थी आतंकवादियों ने। लेकिन हमारे जवानों ने बता दिया कि वो किस कदर अपनी बहादुरी से मुंबई वालों को ये बता सकते हैं कि अभी वो सुरक्षित हैं और कहीं ना कहीं से अपनी जिंदगी को लेकर वो महसूस कर सकते हैं, तो सुरक्षित मान सकते हैं। तो 26/11 को शायद ही हिंदुस्तान का कोई शख्स भूल सकता है, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी होने के नाते जिस तरह से दुश्मनों ने साजिश रची थी और पाकिस्तान का जो चेहरा सामने आया था, ऐसे में हम कह सकते हैं कि वाकई हम पड़ोसी धर्म की बात करते हैं, निश्चित रूप से आज वक्त आ गया है कि हम उन बेगुनाहों की मौत के ऊपर ये ज़रूर चर्चा करें कि वाकई इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर आंसुओं का सैलाब आज भी उमड़ रहा है। और आज इस तो लगातार मुंबई के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, 26/11 वो काली तारीख बन के रह गई है जिसने हमेशा हमेशा के लिए ये बता दिया है। और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे दो मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे जो अहम सवाल है कि सुरक्षा को लेकर हम जो महसूस करते हैं, मुंबई ने बता दिया है कि मुंबई हर तरह से सक्षम है सुरक्षा को लेकर, लेकिन जिस तरह से दुश्मनों ने हमला किया था उसकी कल्पना भी नहीं की थी हम लोगों ने। लेकिन कहा जाता है कि वाकई आतंकवाद के चंगुल में पूरी दुनिया आज इस कदर अपने आप को फंसा हुआ पा रही है कि हर कहीं ना कहीं हम देखते हैं वक्त वक्त पर ये खबरें आती हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो हिंदू राष्ट्र हो या फिर मुस्लिम राष्ट्र हो, आतंक का खेल लगातार सबके सामने आता है। और यही कारण है कि निर्दोष लोग जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होती है उनको हमेशा हमेशा के लिए अपनी जान गंवा देनी पड़ती है। तो आतंकवाद को लेकर आज बहस करने का विषय है। वक्त आ गया कि अब हम उन सारे आतंकवादियों को ये जवाब देने की कोशिश करें कि अब दुनिया एक हो गई है और आतंकवाद के लिए इस दुनिया में और
आने वाले समय में एक ऐसा माहौल बनेगा जहां कह सकेंगे हम कि हम अपनी सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया को एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, इंसानियत का सबसे बड़ा अगर दुश्मन है तो वो है आतंकवाद। आतंकवाद को लेकर अब महसूस किया जा सकता है कि जिंदगी कट गई मनाते हुए अब इरादा है रूठ जाने का, रूठना जो हमारा धर्म है उनसे जो आतंकवाद का खेल खेलते हैं। और इस खास चर्चा में हमारे विशिष्ट मेहमान भी आपसे जुड़ेंगे। सबसे पहले रविंद्र द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उसके साथ साथ हमारे गेस्ट हैं चिश्ती असलमुद्दीन शेख गेसुदराज जी। चिश्ती साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप धर्म गुरु हैं और इंसानियत को लेकर पूरी दुनिया में ये संदेश देते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो वो है मोहब्बत का। निश्चित रूप से आज जो पूरा काला दिन है, द्विवेदी जी, आप किस तरह से 26/11 को याद करना चाहेंगे? क्योंकि निश्चित रूप से आज जो भी माहौल है देश में उसमें हम कभी भी 26/11 को भूल नहीं सकते। आज तो जी, आज के दिन जो दुर्घटना हुई या जो हादसा हुआ या जो हमारे ऊपर एक आतंकवादी हमला हुआ, उसमें मारे गए हमारे देश के नागरिकों को और खास करके हमारी सुरक्षा में जो दिन रात लगे रहते जवानों को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं आपको ये घटना तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि उसके 2 घंटा पहले मेरे मित्र थे विजय सलस्कर जी, उनसे मुलाकात हुई और बहुत अच्छे से वो घर पर अपने गए और मैं मेरे घर पर आया, और मैं उस टाइम पर मेरी बहन के घर पर था। 11 बजा होएगा करीब, अचानक मैंने अपना वॉकमैन लगाया कान में, तो ऐसा मतलब यहाँ पे मत जाइए वहाँ पे मत जाइए, रेडियो कार्यक्रम था। जब मैंने तो मेरे भांजे को बोला, मैं टीवी खोल तो बोला तुझे न्यूज़ देखने की आदत पड़ गई है और बहाना चाहिए। मैं बोला नहीं, कोई घटना तो घटी है, आप टीवी चालू करो। जब टीवी में एक घटना देखी तो मैं बहुत हासित रह गया और बहुत दुखी हुआ, क्योंकि आपने कल्पना नहीं की होगी। नहीं, कल्पना नहीं की थी कि ऐसा ये देश में हो सकता है और इस तरीके से मतलब नरसंहार होगा ये दुर्दशा में, क्योंकि वो बीटी में जो हुआ और वहाँ पे कोई लोग गांव जा रहे थे, कोई कहीं पे जा रहा था, वहाँ पे ऐसा नहीं था कि सारे लोग हिंदू थे, उसमें मुसलमान थे। और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है हमारे देश के राजनीतिकों के ऊपर कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद किसी ने हिम्मत नहीं उठाई और उसको एक संप्रदाय से जोड़ करके राजनीतिक रोटी सेकने लगे। आज जिस तरीके से फ्रांस में घटना घटी, दूसरे दिन उन्होंने हमला कर दिया आतंकवादियों का, मगर हमारे देश के लोगों ने उन ईमानदार मुसलमानों को बदनाम कर दिया जो एक देश के लिए एकदम कट्टर, देश के लिए अपना जीवन निछावर कर चुके और देश के लिए मरने और जीने की मतलब पिता उनके अंदर और उनके अंदर आत्मा में ये भावना घुसी है, मगर उनको उन्होंने बदनाम कर दिया कि नहीं, मुसलमान है ना नाराज हो जाएंगे अगर आतंकवादियों के ऊपर हमला होगा। तो ये जो राजनीतिक भावना हमारे देश में राजनीतिकों ने, एक ईमानदार और जो देश के लिए मरते हैं, ऐसे नहीं कि सारे मुसलमान एक मेमन की तरफ थे, आज ऐसे भी मुसलमान हैं जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए खुद पे अपने उसमें टैंकर में अपने को समर्पित कर दिया। आज ऐसे हमारे देश में मुसलमान है जो हमारे देश के राष्ट्रपति बने और मिसाइल मैन के नाम से समर्पित हुए। तो मैं चाहता हूं कि हमारे देश का मुसलमान ऐसा बने, अब्दुल कलाम जैसा बने, गौस खान के जैसा बने, ना कि याकूब मेमन की तरह। ये देश उनका है, ये देश में अगर कोई घटना घटती है और देश में कोई भी परेशानी होती है तो वो हिंदुओं के ऊपर अकेले नहीं होती है, उसका खमियाजा मुसलमान वर्ग को भी भुगतना पड़ता है। और मुसलमान इस देश के नागरिक है, पहले सबसे पहले उनको ये देश के लिए और दिमाग में ठान लेना चाहिए। और जो भी ऐसे मेरे चाहे हिंदू वर्ग के संगठन हो या मुसलमान वर्ग के, अगर हम आपस में लड़ते हैं और हमारी
संगठन अगर एक दूसरे की खींचातानी करती है तो नुकसान हमारा होने वाला है, तो पड़ोसी का नुकसान नहीं होने वाला। अगर एक मुसलमान के घर में दिया नहीं जलता है, तवा नहीं, अपना ये चूल्हा नहीं जलता है, तो उसको तकलीफ पड़ोसी को होने वाली है, वो हिंदू को तकलीफ होनी चाहिए। और अगर एक हिंदू के घर में तकलीफ होती है और उसका दुख है ना, मुसलमान को होना चाहिए। यही मेरे देशवासियों से एक विनती है और इस दुख घड़ी में और मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। और सबसे जो अहम सवाल है कि रिश्तेदार पूरी दुनिया में आपके मौजूद हो सकते हैं, होंगे भी, लेकिन सबसे जो काम देता है वक्त पे वो होता है अपना पड़ोसी, किसी भी मजहब का। तो अपने पड़ोसियों से मिलजुल कर रखिए, बना कर रखिए। और चिश्ती साहब ने पूरी दुनिया में ये देखने की कोशिश की है कि सबसे बड़ा जो खतरा है वो हम एक दूसरे को जिस तरह से दुश्मन मानते हैं उसको खत्म करने की बात होती है। मैं एक बात बता देता हूँ, इस देश को मुसलमानों से उतना खतरा नहीं है जितना ये देश में सेकुलर का चेहरा पहन करके जो हमारे राजनेता या जो भी संगठन के लोग बैठे हैं जो इस तरीके की भावना भड़का रहे हैं। आज एक माहौल बना ऐसे सुन का, कहाँ पे दंगे हो रहे हैं, कहाँ पे ऐसी अशुलता फैल गई है, एक दो घटना की, क्या ऐसी घटना पहले नहीं हुई? मगर ये जो चोला मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से और बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोगों ने बोला है कि ये देश को खतरा मुसलमानों से नहीं है, ये देश को खतरा है तो उन सेकुलरवादी नेताओं से, उन सेकुलरवादी संगठनों से, छुपे हुए गद्दारों से, बिल्कुल, जो मुसलमानों को ये डरा रहे हैं कि ये देश में अगर हम लोग आपके छत्रछाया नहीं बने तो आपका ये हो जाएगा और आपके साथ में ऐसी बदसलूकी होगी। आज मैं बता देता हूँ, आप एक दो घटना छोड़ करके हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी घटना घटी है कि जो लोग आज अवार्ड वापिस कर रहे हैं या ड्रामा फैला के या नौटंकी फैला करके टीवी में छाए हुए? चलिए वो अलग ट्रैक है, वो तो विरोध का विषय बना है, लेकिन चिश्ती साहब अगर हम 60 घंटों के दहशत की बात करें, घटना अलग नहीं है, घटना एक ही है, आप जोड़ेंगे तो पहलू एक ही है। जो लोग आज बोल रहे हैं कि देश में ऐसा माहौल हो गया, आप एक बात बताइए आशुतोष जी, ये माहौल क्या पहले नहीं हुआ देश में? ये आप अगर अवार्ड लौटाना था तो आप 2008 में लौटाते थे, 92 में लौटाते थे, 84 में लौटाते थे, मगर वहां पे तो आप 90 में आप लौटाते थे जब 4 लाख 4.5 लाख कश्मीरी पंडितों का, बहुत सारे ऐसे मौके आए जहां पर इस तरह की बात हो सकती थी। लेकिन फिलहाल हम बात करें 26/11 जिसने मुंबई की खूबसूरती पर हमेशा हमेशा के लिए बदनुमा दाग लगा दिया है। चिश्ती साहब 60 घंटे जो रहे वो दहशत के माहौल थे, हर किसी को लग रहा था कि पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन हमारे जवानों ने जिस तरह से अपने मुंबई के लिए अपनी जान दे दी, हमारे बहुत सारे निर्दोष भाई बहनों ने अपनी जान दे दी। आपने भी मुंबई में उस वक्त का माहौल देखा होगा, आपने क्या महसूस किया और आज कैसा महसूस, 7वीं वर्षी है आज? दरअसल मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे उन नौजवानों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने उस दुख की घड़ी में अपनी जान को जान नहीं समझा और अपनी जान पर खेल करके देश की आन और बान और शान को कायम रखा। जी मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी हमारे देश के नौजवान, चाहे वो बॉर्डर हो चाहे देश के अंदर की बात हो, इसी तरीके से काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि उस वक्त जो वो मामला था न किसी हिंदू का था न मुसलमान का था, इंसान के ऊपर जिन्होंने हमला किया, पहली बात तो वो इंसान ही नहीं है चाहे वो कहीं के भी हों। इंसान का ये काम ही नहीं है कि वो किसी इंसान का नुकसान पहुँचाए या उसे दुख दे। उन्होंने अंधाधुंध गोलियाँ बीटी स्टेशन पर चलाई, हाँ उसमें हमारे देश के बड़े बड़े नौजवान होनहार जिनके ऊपर देश नाच करता था, ऐसे ऐसे ऑफिसर शहीद हो गए। ठीक है, एक वक्त था कि वो शहीद हो गए, है वो शहीद हो गए, शहीद को मुर्दा नहीं कहा जाता, जिंदा कहा जाता, वो कल भी थे आज भी हमारे बीच हैं और ऐसे नौजवान हमारे देश में फिर पैदा होंगे और आते रहेंगे, यहाँ होनहारों की कमी नहीं है। हाँ ये दुख की बात ज़रूर है कि जो वक्त 26/11 जो गुजरा है, हम उस घड़ी उस वक्त को ना कल भूले हैं ना आज भूले हैं ना आगे भूल सकते हैं, बिल्कुल इसे कोई नहीं भूल सकता। और पाकिस्तान जिसने भेजा है उसको ये समझ लेना चाहिए कि जितनी उसकी आबादी है जी उससे ज्यादा सिर्फ हिंदुस्तान में मुसलमान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, हिंदुस्तान जो आजाद है, आजाद हुआ, आजाद था, आजाद रहेगा, उसमें सबसे पहले आजादी की स्पीच, आजादी के लिए संगठन और हाथ बढ़ाने वाले, हाथ मिलाने वाले मुसलमान हैं। अगर कहीं वीर अब्दुल हमीद ने भी निभाई है तो कहीं तमाम लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ाद किया है, ना आपका अकेले है ना हमारा अकेले, हम सब का देश है और हम सबको चाहिए कि जैसे एक गुलाब के अंदर बेशुमार पंखड़ियाँ होती हैं और एक दूसरे से जुटी हुई होती हैं, हम उसे गुलाब कहते हैं,
अगर पंखड़ियां निकाल दी जाए तो वो गुलाब गुलाब नहीं होता है साहब। तो इस तरीके से हमें देश को एक अच्छी तरफ ले जाना चाहिए और हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। भाईचारा सबसे बड़ी चीज है, जैसे कि आपने कहा कि पड़ोसी सबसे पहले काम आएगा, रिश्तेदार बाद में आएगा। पड़ोसी कोई भी हो उसको पड़ोसी ही कहा जाएगा। बिल्कुल। चिश्ती साहब हमारे साथ अभी व्यापारी मंडल शिवसेना के नेता जुड़ गए हैं, नितिन कुमार। नितिन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। सबसे पहले आपका प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि 26/11 को लेकर आज जो सातवीं बरसी मना रहा है पूरा देश, इसको कैसे याद करेंगे? और साथ ही साथ आपने जो कार्यक्रम रखा है, आपने जो आयोजन रखा है, उस बारे में बताइए कि श्रद्धांजलि कैसे देने वाले हैं आप? देखिए, सबसे पहले जो अखिल उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से जो हमारे शहीद हुए हैं, उन लोग को मैं हमारे संगठन की तरफ से सबसे पहले श्रद्धांजलि देता हूँ जी, 11 के माध्यम से। और जो 26/11 को जो लोग शहीद हुए थे, हम हर साल छत्रपति शिवाजी महाराज जोगर्सवान जो लोखंड वाला बैग रोड पे है उसमें हम हमेशा ये शोक सभा का कार्यक्रम रखते हैं। इसमें कैंडल मार्च का हमने रखा है, मोमबत्ती का रखा है, प्लस जो फूल देके उनको सम्मान करना चाहते हैं। और हमने विशेष आग्रह भी किया है जो हमारे लोखंड वाला और बम्बई के जो व्यापारी वर्ग लोग हैं कि वो इस कार्यक्रम में शामिल हो। सबसे अच्छी बात यह है कि हमको पुलिस का सबसे अच्छा सपोर्ट मिला है। हमारे यहाँ के सीनियर अरुण चौहान, ओसीवरा पुलिस स्टेशन के सीनियर, डीएन नगर के सारे पुलिस जो हमारे हद में आते हैं, वो सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और उन्होंने सामने से बोला कि आप लोग ये जो व्यापारियों का कार्यक्रम कर रहे हैं, हम सब लोग पूरा स्टाफ के साथ वहाँ पे आएंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर हम सुरक्षा को लेकर आपका रिएक्शन जानना चाहें, आपको लगता है कि वाकई अगर 26/11 की अगर हम बात करें या अन्य दिनों की बात करें, तो सुरक्षा को लेकर कुछ एहसास दिलाने की कोशिश हो जाती है सरकार की तरफ से, या फिर बिल्कुल उसको भुला दिया गया है? देखिए, सरकार की तरफ से तो सुरक्षा कराने का हमेशा बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन साथ में जनता को भी जागरूक होना चाहिए। और पुलिस और जनता, जब तक का कम्युनिकेशन साथ में नहीं मिलेगा, जब तक ये सुरक्षा का मसला, ऐसे ही हम लोग खाली न्यूज चैनलों का बात करते रहेंगे। पुलिस जनता को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, और जनता को भी पुलिस के ऊपर अगर कॉन्फिडेंस आएगा और दोनों मिलकर अगर ये मुहिम को चलाएंगे, तो जरूर इसके अंदर हम लोग कुछ ना कुछ आगे कर सकते हैं। बिल्कुल, कुछ ना कुछ आगे कर सकते हैं, और ये जज्बा आगे जरूर बने रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए नितिन जी। द्विवेदी जी, अगर हम सुरक्षा की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि वाकई मुंबई के लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं या फिर असुरक्षित? जैसे आप अगर मुंबई में कहीं जाते हैं तो क्या लगता है आपको? देखो, अपने देश में अगर सबसे सुरक्षित प्रदेश है तो मुंबई मेरे हिसाब से। मैं अभी दूसरे की गारंटी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि अपनी अपनी भावनाएं लोग, मगर मुंबई जैसा सुरक्षित प्रदेश मेरे हिसाब से, और जिस तरीके से मुंबई पुलिस काम करती है, तो शायद अपने हिंदुस्तान में दूसरे प्रदेश उतने सुरक्षित नहीं है, चाहे महिलाओं के लिए हो। क्योंकि हम जब टीवी देखते हैं तो दिल्ली की घटनाएं आती, यूपी की घटनाएं आती, कर्नाटक है, बिहार है, सब जगह के आते हैं, मगर मुंबई का ऐसा कोई घटना जल्दी नज़र नहीं आता है। तो मुंबई सुरक्षित है और मेरे हिसाब से सुरक्षित रहेगा, क्योंकि यहाँ के जो मुंबई वासी हैं जागरूक हैं और एक दूसरे में उनको विश्वास है। चिश्ती साहब, हमने देखा बीच में कि कुछ ऐसे भी बच्चे हमारे बीच के हैं जिनका थोड़ी देर के लिए दिमाग सनक गया, कह सकते हैं कि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं से आईएसआई से जुड़ने की इच्छा जागृत हुई। अगर हम महाराष्ट्र के लोगों की बात करें, तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आतंकवाद के साथ नहीं, आतंकवाद के खिलाफ खड़े? कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, मेरे हिंदू संगठनों में भी हमेशा यही चर्चा करता हूँ कि आपके माँ बाप ने एक उम्मीद लेकर के आपको जन्म दिया, आप एक धर्म के पहले आप एक इंसान के रूप में जन्मे हो, और इंसान का कर्तव्य होता है कि उस मिट्टी का और उस प्रदेश का और अपने माँ बाप का भला करे। और आतंक फैलाने पे, आतंक करने से किसी का भला नहीं है, किसी का भला नहीं हो सकता है। ना आपके धर्म का भला हो सकता है, ना आपके माँ बाप का भला हो सकता है। वो भी बेचारे परेशान होंगे, चाहे वो लीगली तरीके से हो या मतलब किसी के सामने, अगर किसी को मालूम पड़ता है कि इनका बेटा आतंकवादी है, तो उसके माँ बाप से पूछना चाहिए कि उसके ऊपर क्या बीतती है। वो हजारों बार मरने के बाद उसका जन्म होता है, हजारों बार वो मरता है। आपको क्या लगता है कि वाकई उन बच्चों को क्या समझाया जाए, किस तरह से उसको रोका जा सकता है? उनको यही भावना उनके दिमाग में, मेरे जो है सहभागी मौलवी जी, उनको यही बोलो कि आप अपने लोगों को यही समझाओ कि आपका ये देश है,
पहले तो उनके दिमाग से ये निकाल दो कि धर्म बाद में होता है, हमारे पहले हम हमारा धर्म क्या है, हमारी मातृभूमि, और मातृभूमि जब सुरक्षित है तभी हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, जब हमारी मातृभूमि सुरक्षित नहीं है तो हमारा धर्म नहीं सुरक्षित रह सकता है, ये किसी भी धर्म के लिए। चिश्ती साहब आपको क्या लगता है? बड़ी बात ये है, माहौल, अगर बच्चों को अच्छा माहौल, अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा तो बच्चे उस तरफ नहीं जाएंगे। दूसरी बात, अगर कोई आदमी इस तरीके की बात सिखाता है तो हमें उसकी बात सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरी बात यह है कि जैसे हम एक इंसान हैं, हम हिंद के रहने वाले हैं, हमारी सबसे भलाई होनी चाहिए, सबसे खास बात होनी चाहिए हमारे देश की। अगर हमारे देश की कोई हानि है तो हमारी हानि है, और हमारे देश की भलाई है तो वो हमारी भलाई है, हमारे देश की सुरक्षा है तो हम सुरक्षित हैं। तो हमें दुनिया से एक अपनी जगह है, लेकिन हमें हमारे सबसे पहले हमारे देश की सोचना है, ऐसे सोचना है जैसे कि हम अपने बारे में, अपने घर के बारे में सोचते हैं कि हमारा घर, हम सब सुरक्षित रहे, या हमारा परिवार। इस तरीके से हमारा देश भी एक हमारा परिवार ही है, हमारा देश भी पूरा देश हमारा घर है, और हम पूरा देश हमारा ही संसार है। तो हमें जब देश कभी आपको ऐसा लगा कि ये जो हम 60 घंटे के दहशत की जो बात कर रहे हैं जी, हमारे सरकार के साथ साथ इस पूरे व्यवस्था को मिल जाना चाहिए कि इस तरह की जो बातें हैं आगे आने वाले दिनों में कभी ना हो, कभी आपको लगा कि इस तरह पर, इस पर भी बहस होनी चाहिए? नहीं, देखिए इस पर बहस तो पहले भी लोगों ने किया है, और मेरे ख्याल से कुछ लोगों को इस पर हमेशा, अपने देश में एक खास बात है, कहीं भी कुछ होता है तो पहले ही रेड अलर्ट हो जाते हैं पूरे, जो भी अपने देश में बड़े बड़े शहर हैं। तो नो डाउट हमारे देश की पुलिस भी सक्षम है, जवान भी सक्षम है, अभी पुलिस को भी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ दी गई हैं, बहुत अच्छा किया है गवर्नमेंट ने, और भी मजबूत बनाना चाहिए देश के कानून को भी, और सिपाहियों नौजवानों को भी अच्छी गाड़ी देना चाहिए, उनको अच्छी सुरक्षा देनी चाहिए, ड्यूटी उनको उतनी देनी चाहिए जितना वो बर्दाश्त कर सके। बिल्कुल, 20-20 घंटा, 28-28 घंटा पुलिस वालों से ड्यूटी ली जाती है, कहीं ना कहीं तो वो भी इंसान है, नर्वस हो जाते हैं, तो उनके अंदर बीच में एक ऐसा होना चाहिए कि उनको भी 8 घंटे या जो भी ड्यूटी है 8 घंटे की देने के बाद उनको भी रिलीफ होना चाहिए। देखिए ना, डबल ड्यूटी लगती है, जो ऑफिसर दिन में करता है वो कभी रात में भी रहता है, तो इनके लिए भी, ये भी इंसान है हमारे बीच, ये भी इंसान है। और बम्बई की पुलिस तो इंसानों से ऐसे बात करती कि हम क्या बताएं, बड़ी अच्छी बात है। हर पुलिस वालों को चाहिए कि इंसान से, एक इंसानियत के नाते बड़े रहमी से, बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से बात करनी चाहिए, तो लोगों के दिल में एक और अच्छी मैसेज जाएगी और अच्छी भावनाएं पैदा होगी। और पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को ये पता है कि हिंदुस्तान अगर एक हो जाए तो बाकी दुश्मनों की खैर नहीं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए चिश्ती साहब आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र द्विवेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी वक्त निकाला व्यस्त होने के बावजूद। लेकिन जब भी हम शहीदों को याद करते हैं या फिर उन लोगों को याद करते हैं जिनको पता भी नहीं था कि मौत कब आ जाएगी उनकी ज़िंदगी में, लेकिन आतंकवाद का जो खेल है वो लगातार जारी है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में समय समय पर ये जो खेल है वो अभी भी जारी है। तो अभी वक्त आ गया कि इस सारे खेल को, खासकर आतंकवाद का जो भी खूनी खेल है, उसको बंद कर दिया जाए, ताकि हम पूरी दुनिया में गर्व के साथ ये कह सके कि वाकई हम सब सुरक्षित हैं और आने वाले दिनों में दहशत की बात हम नहीं करेंगे। तो 26/11 के काले दिन को हम इसलिए याद करते हैं कि वाकई हमारे बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, हमारे देश की क्षति हुई है, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम किसी भी क्षति से लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ लड़ना चाहते हैं आतंकवाद से, जो वक्त की ज़रूरत है। इस सफ़र में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए लेमन न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।